here, Harshita Rizvani from HR Institute of Studies. Today, we will be covering chapter number 9 of SS for Standard 7 students. The name of the chapter is Administration of the State. So, students, in our earlier session, we have covered much in detail about Legislative Assembly, MLAs, how Chief Ministers and Council of Ministers are elected, then Government Executives, Administrative Executives. Today, we will be starting with the point that is Governor. लेट्स सी गवर्नर क्या होता है. हर स्टेट का एक गवर्नर होता है. हर स्टेट, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बोला था, जैसे पूरे कंट्री के लिए प्रेसिडेंट होता है वैसे ही स्टेट के लिए क्या होता है, गवर्नर. जैसे पूरी कंट्री के लिए प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट होता है वैसे ही स्टेट के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, गवर्नर. क्लियर. ही और शी इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स आफ्टर कंसल्टिंग प्राइम मिनिस्टर. समझो हर स्टेट का एक गवर्नर होता है. अब उस गवर्नर को कौन इलेक्ट करता है? गवर्नर को पीपल इलेक्ट करते हैं. अब बिग नो, हम लोग गवर्नर नहीं इलेक्ट करते. गवर्नर को कौन इलेक्ट करते हैं? प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं बाय कंसल्टिंग विद प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर से बातचीत करके प्रेसिडेंट गवर्नर को इलेक्ट करते हैं फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स. तो स्टूडेंट्स, अगर आपको पूछे डू गवर्नर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, सो द आंसर इज नो. गवर्नर को पीपल इलेक्ट नहीं करते. सो हु अपॉइंट्स द गवर्नर? गवर्नर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टिंग विद द प्राइम मिनिस्टर फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स. गुड. गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट. दिस स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. गवर्नर स्टेट के का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड माना जाता है और पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन उनके नाम पे ही होता है. ठीक है. गवर्नर ये इंश्योर करते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में ही काम कर रही है. गवर्नर ये अश्योर करता है, ये चीज का ध्यान रखता है कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट अपने काम कर रही है वो कॉन्स्टिट्यूशन के परव्यू में ही करे, कॉन्स्टिट्यूशन से अगेंस्ट कुछ तो नहीं करे. फंक्शन ऑफ गवर्नर आर एस फॉलो. गवर्नर के फंक्शन सेम है. बिफोर स्टार्टिंग फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट में वापस इंट्रोडक्शन पे थोड़ा हाईलाइट देना चाहती हूँ. तो सबसे पहला पॉइंट ये याद रखना कि हर स्टेट का एक गवर्नर होता है. सो एवरी स्टेट हर स्टेट का एक गवर्नर होता है. सेकेंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गवर्नर को सिलेक्ट कौन करता है, इलेक्ट कौन करता है. सो गवर्नर इज इलेक्टेड. इलेक्शन कौन करता है उनका? एज यू ऑल नो, अभी अपन ने पढ़ा, कौन करता है? प्रेसिडेंट. क्या प्रेसिडेंट अकेले करते हैं? नहीं. किससे बातचीत करके? आफ्टर कंसल्टिंग विद पीएम, दैट इज प्राइम मिनिस्टर. आफ्टर कंसल्टिंग विद पीएम, दैट इज प्राइम मिनिस्टर. फॉर द ड्यूरेशन ऑफ कितने साल के लिए अपॉइंट करते हैं? 5 ईयर्स. So, यहाँ पे कॉर्नर क्वेश्चन आया, दो कॉर्नर क्वेश्चन आए. एक ट्रू ऑफ फॉल्स में पूछ सकते हैं. प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, सो आंसर इज फॉल्स. प्रेसिडेंट ओप्स, गवर्नर इज इलेक्टेड बाय द पीपल, सो द आंसर इज फॉल्स. बिकॉज गवर्नर आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, दे आर इलेक्टेड बाय प्रेसिडेंट. दूसरा क्वेश्चन, हु इलेक्ट्स द गवर्नर? गवर्नर इज इलेक्टेड बाय प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टिंग विद प्राइम मिनिस्टर. पूरा लिख देना फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर, इतना पूरा लिख देना. तो इतने पार्ट में कितने क्वेश्चन फ्रेम हुए? 2 क्वेश्चन. फिर एक और इंपॉर्टेंट, ये फिलअप्स के फॉर्म में इंपॉर्टेंट है कि जो गवर्नर है इस कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट. जो गवर्नर है पूरे स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फिलअप्स के फॉर्म में. फिलअप्स के फॉर्म में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गवर्नर इज अ कॉन्स्टिट्यूशन हेड ऑफ स्टेट. आपको पूछ सकते हैं डैश इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, तो क्या लिखोगे? गवर्नर. ठीक है. तो ये एक और क्वेश्चन फ्रेम हुआ. हाँ, एंड इसमें क्या क्या होना है कि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन किसके नाम पे होता है? गवर्नर के नाम पे. गवर्नर ये इंश्योर करता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके फंक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कर रहा है. मतलब गवर्नर की जवाबदारी ये देखना कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट, मतलब सपोज गुजरात के गवर्नर को ये देखना पड़ेगा कि गुजरात गवर्नमेंट जो भी एक्टिविटी कर रही है, जो भी फंक्शन कैरी आउट कर रहे हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में करे. क्लियर. सो ये मैंने देखो, इसका फंक्शन भी मैं लिख देती हूँ. मतलब एक्चुअली और बहुत सारे फंक्शन है, बट मैं एक बार ये वाला लिख देती हूँ. ये क्या इंश्योर करता है? गवर्नर इंश्योर करता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो जो भी फंक्शन कैरी आउट कर रही है वो फंक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होनी चाहिए. क्लियर. सो इट इज क्लियर.
अब अपन पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ गवर्नर. ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है. दे आर लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 फंक्शंस ऑफ गवर्नर. हम तीन तीन करके डिटेलिंग में पढ़ेंगे. सबसे पहला फंक्शन है गवर्नर इनवाइट्स द लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट. गवर्नर जो भी मेजॉरिटी पार्टी है, मतलब जो भी जिस पार्टी को मेजॉरिटी वोट मिले, वो पार्टी के लीडर को बुलाती है और बोलती है कि आपको गवर्नमेंट बनानी है. मतलब अपन ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि से फॉर एग्जांपल गुजरात, गुजरात ही में कितनी सीट्स अपने पड़े थे, 182 सीट्स में से फॉर एग्जाम्पल 170 सीट बीजेपी को मिली, तो गवर्नमेंट किसकी बनेगी, बीजेपी की. सो गवर्नर का ये काम होता है कि जो भी पार्टी को मेजोरिटी वोट मिले उसको इनवाइट करे और उनको बोले कि अब आप अपनी सरकार, अपनी गवर्नमेंट बनाओ. दूसरा, एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड सीक्रेसी. मतलब ये चीज ये ध्यान रखता है, ये एडमिनिस्टर करता है ओथ ऑफ लॉयल्टी. ओथ मतलब जो कसम खाते हैं, ओथ ऑफ लॉयल्टी एंड लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑफ सीक्रेसी. मतलब जो भी एक्टिविटी वो पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट करेगी वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में करेगी. कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कैसे रहेंगे, लॉयल रहेंगे. थर्ड, कॉल्स द लेजिस्लेटिव असेंबली इन सेशन एंड ऑल्सो अनाउंसेस इट्स एडजर्नमेंट. मैंने आपको पता है लेजिस्लेटिव असेंबली में रूलिंग पार्टी एज वेल एज अपोजिशन पार्टी दोनों पार्टी के एमएलए बैठ के सारे मैटर्स डिस्कस करते हैं. तो लेजिस्लेटिव असेंबली को कॉल कौन करता है, लेजिस्लेटिव असेंबली को कन्विंस करने का, कॉल करने का काम होता है क्या बोलते हैं गवर्नर का. और एडजर्नमेंट भी करता है, एडजर्नमेंट मतलब डिले करना कि आज की मीटिंग बाकी फिफ्थ डेट को एडजर्न हो गई, एडजर्न मतलब आगे खींच गई है. ठीक है, सो तीन फंक्शन अभी अपन ने पढ़े. मैं इसको रख कर रही हूं, गवर्नर का इंट्रोडक्शन था. ओके, अब फंक्शंस, फंक्शंस ऑफ गवर्नर पढ़ रहे हैं. पहले तीन फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन अपन ने क्या पढ़ा, अपन ने ये पढ़ा कि गवर्नर मेजॉरिटी पार्टी के लीडर को इनवाइट करता है गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए. तो सबसे पहले इनवाइट करता है, इनवाइट किसको करता है, लीडर को. किसके लीडर को, ऑफ मेजॉरिटी पार्टी, क्यों, टू फॉर्म गवर्नमेंट. दूसरा जो फंक्शन है वो किस चीज को एडमिनिस्टर करता है, जो ओथ लिए टुवर्ड्स द लॉयल्टी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उसको एडमिनिस्टर करता है. सेकंड चीज, गवर्नर का काम है टू एडमिनिस्टर, किस चीज को एडमिनिस्टर करता है, ओथ को. किसकी ओथ को, टुवर्ड्स लॉयल्टी, क्लियर, लॉयल्टी टू कॉन्स्टिट्यूशन. थर्ड, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो बुलाता है और उसको एडजोर्न भी कर सकता है. तो बेसिकली लेजिस्लेटिव असेंबली को कॉल करना और एडजोर्न करना दोनों किसका काम है, गवर्नर का. ओके, तो अपने तीन पढ़ लिए. नेक्स्ट तीन पॉइंट देखते हैं. एवरी बिल पास बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव हैज टू रिसीव द गवर्नर्स असेंट. मतलब स्टेट लेजिस्लेशन में कोई भी बिल पास हो रहा है वो बिल अप्रूव नहीं होगा जब तक उसको गवर्नर ने कंसेंट नहीं दिया, मतलब गवर्नर ने उसके लिए हाँ नहीं बोला. हाउएवर जो मनी बिल रिक्वायर्स प्रायर अप्रूवल. ठीक है, तो पहले बोला एवरी बिल पास बाय, मतलब कोई भी बिल जब स्टेट लेजिस्लेटिव में पास हो गया उसके बाद उसको किसकी कंसेंट लेनी पड़ेगी, गवर्नर की. लेकिन जो मनी बिल होते हैं उनको तो पहले गवर्नर की परमिशन लेनी पड़ेगी और फिर वो स्टेट लेजिस्लेटिव में जाएगा. क्लियर, तो क्या बोला है स्टूडेंट्स, ऐसा बोला है जितने भी बिल स्टेट लेजिस्लेशन में पास हो चुके हैं वो बिल फिर किसकी कंसेंट लेनी पड़ेगी, गवर्नर के. और जो मनी बिल होती है उसमें तो प्रायर अप्रूवल चाहिए होता है गवर्नर का. क्लियर, नेक्स्ट, अब बिल अंडरगो थ्री रीडिंग इन लेजिस्लेटिव असेंबली. मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली में बिल पास होते हैं उसके पहले थ्री रीडिंग्स होती है. कौन सी तीन रीडिंग होती है, सबसे पहले फॉलोइंग दिस इट इज टू बी सेंड टू गवर्नर बिफोर इट बिकेम लॉ. अच्छा, पहले तीन रीडिंग होती है उसकी, उसके बाद उसको गवर्नर के पास भेजा जाता है, फिर गवर्नर अप्रूव करता है, फिर वो बिल जाके लॉ में कन्वर्ट होता है. क्लियर, अगर थर्ड पॉइंट, अगर एक बिल इज नॉट साइन बाय द गवर्नर, अगर गवर्नर ने बिल को साइन नहीं किया तो क्या होगा, तो वो विधानसभा में वापस भेज दिया जाता है, सेंड बैक टू विधानसभा विद अ सजेशन. मतलब गवर्नर अपने सजेशन देगा कि ये बिल मैं अपनी अप्रूव नहीं करा, ये मेरे पॉइंट्स है, और वापस विधानसभा में भेज देते. क्लियर, देन एमएलए हैव टू डिबेट ऑन दिस सजेशन. फिर एमएलए उस सजेशन पे डिबेट करते हैं और फिर वापस रिवाइज बिल गवर्नर को भेजा जाता है उनके सिग्नेचर के लिए. देखो ये तीनों पॉइंट बहुत ही ब्यूटीफुली एक दूसरे से रिलेटेड है, पर झट से लर्न हो जाने हमें. देखो तीनों बड़े बड़े पॉइंट है पर समझने के पॉइंट है. सबसे पहले क्या बोला है,
एवरी बिल पास बाय स्टेट लेजिस्लेचर हैज टू रिसीव गवर्नर से. हर बिल जो स्टेट लेजिस्लेशन में पास हो चुका है उसको गवर्नर का असेंट चाहिए, लेकिन जो मनी बिल होते हैं उनको तो प्रायर अप्रूवल चाहिए गवर्नर का. मतलब मनी बिल तो पहले गवर्नर अप्रूव करेंगे फिर स्टेट लेजिस्लेशन, क्लियर. और बाकी के जो बिल है वो स्टेट लेजिस्लेशन में अप्रूव हो जाए तो भी किसका कंसेंट चाहिए होता है, गवर्नर का. उसके बाद बोला कोई भी बिल है उसका लेजिस्लेटिव असेंबली में 3 बार रीडिंग होती है. कोई भी बिल का लेजिस्लेटिव असेंबली में 3 बार रीडिंग होती है. 3 बार रीडिंग होने के बाद उसको गवर्नर के लिए, गवर्नर को भेजा जाता है. गवर्नर उस बिल में सिग्नेचर करता है तभी वो बिल जाके लॉ बनता है. नेक्स्ट, अगर गवर्नर ने उस पर सिग्नेचर नहीं की तो गवर्नर ये बिल को वापस विधानसभा को भेज देगा विद इट सजेशन. फिर ये सजेशन पे एमएलएज डिबेट करेंगे और एक रिवाइज बिल वापस गवर्नर को भेजेंगे. सिंपल, तीनों पॉइंट बिल रिलेटेड है. पहला वाला क्या था कि जितने भी बिल पास हो चुके स्टेट लेजिस्लेशन में उसको किसका अप्रूवल चाहिए, गवर्नर का, क्लियर. और जो मनी बिल है उसमें तो प्रायर अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट चाहिए. उसके बाद बोला द बिल इन द लेजिस्लेटिव असेंबली अंडर गो हाउ मेनी रीडिंग्स, 3 रीडिंग्स, एंड फॉलोइंग दैट उसको गवर्नर को भेजा जाता है फॉर सिग्नेचर. नेक्स्ट पॉइंट, इफ द गवर्नर डज नॉट साइन द बिल देन बिल इज सेंट अगेन बैक टू विधानसभा विद अ सजेशन. एमएलए विल डिबेट ऑन द सजेशन एंड विल अगेन सेंड अ रिवाइज्ड बिल टू द गवर्नर. नेक्स्ट, अगर कभी इमरजेंसी है तो गवर्नमेंट कैन इश्यू ऑर्डर कॉल ऑर्डरेंस. मतलब अगर इमरजेंसी डिक्लेयर करनी है, इमरजेंसी डिक्लेयर करने के टाइम भी गवर्नर ऑर्डर इश्यू कर सकता है. अपॉइंट द जजेस ऑफ ऑल कोर्ट दैट वर्क अंडर द हाई कोर्ट. हाई कोर्ट में जितने भी जजेस है, हाई कोर्ट के अंडर जितनी भी कोर्ट है वो सारे कोर्ट के जजेस भी गवर्नर अपॉइंट करता है. तो देखो, हाई कोर्ट के अंडर जितने भी कोर्ट्स होते हैं उन सबके जजेस कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर. एंड लास्ट में इन्फॉर्म्स टू द प्रेसिडेंट अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करता है कि पूरा स्टेट गवर्नमेंट कैसे फंक्शन कर रहा है. तो ये थे 9 पॉइंट्स फंक्शन ऑफ गवर्नर, जो काफी इंपॉर्टेंट थे अपने 3-3 के सेट में. तो 9 पॉइंट्स में 3-3 का सेट. सबसे पहले मेजोरिटी पार्टी के लीडर को इन्वाइट करता है जो फॉर्म गवर्नमेंट. सेकेंड, किस चीज को एडमिनिस्टर करता है, ओथ ऑफ द लॉयल्टी टुवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन. थर्ड, लेजिस्लेटिव असेंबली कॉल करने का काम, उसको एडजोन करने का काम भी उसको होता है. फिर नेक्स्ट 3 पॉइंट बिल से रिलेटेड है. जो भी स्टेट लेजिस्लेटिव में बिल पास हुआ उसको उसका कंसेंट, उस बिल का कंसेंट गवर्नर का भी चाहिए होता है. और जो मनी बिल होते हैं उसमें तो प्रायर अप्रूवल चाहिए होता है गवर्नमेंट का. फिर लेजिस्लेटिव असेंबली में हर बिल की 3 बार रीडिंग होती है, उसके बाद वो बिल को गवर्नर के पास भेजा जाता है और जब गवर्नर उस पर सिग्नेचर करता है तब वो बिल जाके लॉ बनता है. नेक्स्ट पॉइंट, अगर गवर्नर ने वो बिल पे सिग्नेचर नहीं किया, मतलब गवर्नर को वो मतलब बिल नहीं अप्रूवल करा, तो क्या होगा, गवर्नर वापस से विधानसभा में भेज देगा बिल को विद हिज सजेशन. ये सजेशन पे डिबेट करेंगे एमएलए और फाइनली एक रिवाइज बिल वापस गवर्नर को भेजेंगे. मतलब जो गवर्नर जब तक बिल पे साइन नहीं करेगा वो बिल लॉ नहीं बनेगा. नेक्स्ट, इमरजेंसी सिचुएशन में ऑर्डिनेंस भी डिक्लेयर कर सकते हैं. जो भी हाई कोर्ट के अंडर कोर्ट्स होते हैं उन सबके जजेस भी कौन अपॉइंट करते हैं, उन सबके जजेस भी गवर्नर अपॉइंट करते हैं. लास्ट में ओवरऑल स्टेट गवर्नमेंट की जो वर्किंग है वो किसको इन्फॉर्म करते हैं, प्रेसिडेंट को, क्लियर. तो ये गवर्नर का पूरा टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग था वो अपन ने कंप्लीट किया. नेक्स्ट टॉपिक इज चीफ मिनिस्टर, सीएम. चीफ मिनिस्टर किसके होते हैं, स्टेट के होते हैं, एज वी ऑल नो चीफ मिनिस्टर स्टेट के होते हैं, राइट. चलो, द चीफ मिनिस्टर इज द हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. अगर आपको पूछे कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन है, अगर आपको पूछे कि स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन है, तो आप क्या लिखोगे, गवर्नर. लेकिन अगर आपको ऐसा पूछे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड कौन है, तो चीफ मिनिस्टर. जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, रेलवे मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, ये सारे जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड कौन होते हैं, चीफ मिनिस्टर. समझ लो, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट इज गवर्नर, वाइल जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, रेलवे मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, जो भी मिनिस्टर्स होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उनके हेड कौन होते हैं, सीएम, दैट इज चीफ मिनिस्टर. ओके, ही और शी इज कॉल्ड सीएम. जैसे मैंने आपको बताया, अब सीएम के फंक्शन देखते हैं. सीएम के कितने फंक्शन है, 5 फंक्शन है. पहला, अलॉटिंग वेरियस पोर्टफोलियो टू डिफरेंट मिनिस्टर फॉर
फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट. पूरा स्टेट अच्छे से एडमिनिस्टर हो पाए इसलिए अलग अलग मिनिस्टर को उनका पोर्टफोलियो देते हैं. पोर्टफोलियो मतलब उनके अंडर ये डिपार्टमेंट है, उनको ये काम करना है. मतलब रेलवे मिनिस्टर को उनका पोर्टफोलियो देंगे कि आपको ये करना है, डिफेंस मिनिस्टर को उनका पोर्टफोलियो देंगे आपको ये करना है, फाइनेंस मिनिस्टर को उनका पोर्टफोलियो दे देंगे आपको ये करना है. सो बेसिकली चीफ मिनिस्टर अलग अलग मिनिस्टर को उनका पोर्टफोलियो अलॉट करते हैं जिससे पूरा का पूरा स्टेट अच्छे से एडमिनिस्टर कर पाए. फाइनेंस की मात्र फाइनेंस मिनिस्टर देखेगा, रेलवे मैटर रेलवे मिनिस्टर, डिफेंस मैटर डिफेंस मिनिस्टर. तो अगर हर मैटर को हम मिनिस्टर्स में बांट देंगे तो क्या अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से हो जाएगा. सो सबसे पहला फंक्शन होता है चीफ मिनिस्टर का अलग अलग मिनिस्टर्स को उनके पोर्टफोलियो देना जिससे पूरा स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा हो जाए. कॉलिंग मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रेगुलर इंटरवल. आप काम देखिए छोड़ थोड़ी ना देना है, रेगुलर इंटरवल पे देख रहे हैं ना वो लोग कैसा काम कर रहे हैं अपने पर्टिकुलर मिनिस्ट्री में. सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग रखना, ठीक है. कॉलिंग मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ द टाइम, थोड़े थोड़े टाइम में रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में सारे मिनिस्टर्स की मीटिंग बुलाने की. थर्ड, सुपरवाइजिंग द वर्क ऑफ एवरी मिनिस्टर एंड गाइडिंग देम. हर मिनिस्टर के काम को, बी रेलवे मिनिस्टर, बी डिफेंस, बी फाइनेंस, जो भी मिनिस्टर है उनके काम को सुपरवाइज करो और जब उनको चाहिए तो उनको क्या प्रोवाइड करो, गाइडेंस भी प्रोवाइड करो, ठीक है. नेक्स्ट, उसके बाद अब गवर्नर को चीफ मिनिस्टर को इन्फॉर्म करना पड़ता है अबाउट द डिसीजन टेकन बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने जो भी डिसीजन लिए है उनके बारे में किसको इन्फॉर्म करना पड़ता है, गवर्नर को इन्फॉर्म करना पड़ता है. जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने डिसीजन लिए उसके बारे में गवर्नर को इन्फॉर्म करना. एंड लास्ट में फॉर्मिंग अ न्यू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नेसेसरी. अगर जरूरत पड़े और कोई न्यू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाने की नीड आए तो वो भी कौन करेगा, चीफ मिनिस्टर. तो स्टूडेंट्स, चीफ मिनिस्टर कौन होता है, जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड को क्या बोलते हैं, चीफ मिनिस्टर, जिसको हम सीएम बोलते हैं. जैसे इंडिया लेवल पे पीएम होता है वैसे स्टेट लेवल पे सीएम होता है, जैसे इंडिया लेवल पे प्रेसिडेंट होता है वैसे स्टेट लेवल पे गवर्नर होता है, क्लियर. तो ये जो चीफ मिनिस्टर होते हैं उनके फंक्शन, सबसे पहला ये फंक्शन है कि अलग अलग मिनिस्टर्स को उनका पोर्टफोलियो दे देना जिससे स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिव हो जाए. सो अलॉटिंग वेरियस पोर्टफोलियो टू द मिनिस्टर फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट, ठीक है. उसके बाद है जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनकी मीटिंग बुलाने का काम होता है. दूसरा बात, जो भी मिनिस्टर के वर्किंग उनको सुपरवाइज करना होता है थ्रू सुपरवाइज द वर्किंग ऑफ द मिनिस्टर एंड उनको गाइडेंस देने का. फिर गवर्नर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा अबाउट द डिसीजन टेकन बाय द मिनिस्टर एंड लास्ट में न्यू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाओ इफ जरूरी पड़े. तो मतलब सबसे पहला फंक्शन क्या था, सबसे पहला फंक्शन ये था कि जो भी मिनिस्टर्स है उनको क्या अलॉट करना है, मिनिस्टर को पोर्टफोलियो अलॉट करने अलग अलग मिनिस्टर को जिससे क्या हो जाए, स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिव हो जाए. दूसरा जो फंक्शन था वो क्या था, दूसरा फंक्शन था कि जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उनकी मीटिंग बुलाना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग बुलाना. उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को सुपरवाइज करना उनके काम को और साथ में अगर चाहिए तो उनको गाइडेंस भी दे दो. उसके बाद आपको किसको इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, आपके ऊपर कौन है, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, मतलब गवर्नर को आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा. किसके बारे में इन्फॉर्म करना पड़ेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के डिसीजन के बारे में, अबाउट द डिसीजन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. एंड द लास्ट वन इज, लास्ट वन है न्यू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाना इफ नेसेसरी. नेक्स्ट वन इज फॉर्मिंग न्यू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इफ नेसेसरी, क्लियर. ये अपने पूरे फंक्शन पढ़े ऑफ चीफ मिनिस्टर. काउंसिल ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट पर ड्यू, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फ्रेम पॉलिसी फॉर अलॉटेड सब्जेक्ट और डिपार्टमेंट रिलेटेड टू स्टेट गवर्नमेंट एंड एग्जीक्यूटिव. जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनको जो भी सब्जेक्ट या उनको जो भी डिपार्टमेंट अलॉट किया उनके डिसीजन लेंगे. से फॉर एग्जाम्पल फाइनेंस मिनिस्टर है तो वो किसके रिलेटेड डिसीजन लेगा, फाइनेंस के रिलेटेड डिसीजन लेगा. रेलवे मिनिस्टर रेलवे के रिलेटेड, मतलब हर मिनिस्टर अपने सब्जेक्ट या अपने डिपार्टमेंट के रिलेटेड डिसीजन लेगा, क्लियर. इट ऑल्सो इंट्रोड्यूस बिल इन द लेजिस्लेटिव असेंबली
ऑब्वियसली ये बिल भी इंट्रोड्यूस करते हैं, जो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंट्रोड्यूस द बजट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। जो भी हर स्टेट का फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो खुद की उस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में बजट प्रेजेंट करता है। तो ये ध्यान रखना, लेजिस्लेटिव असेंबली में बजट कौन प्रेजेंट करता है? फाइनेंस मिनिस्टर। ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली में बजट प्रेजेंट करने का काम किसका होता है? फाइनेंस मिनिस्टर। ये वन मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है दैट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द स्टेट प्रेजेंट्स द बजट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। क्लियर, दिस वन इज इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट, वर्क टू बी डन इज डिवाइडेड बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। द स्टेट गवर्नमेंट फंक्शन एट द स्टेट लेवल एंड द यूनियन गवर्नमेंट फंक्शन एट द नेशनल लेवल। ठीक है, ओके, अब स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट के कौन कौन से एरिया से वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे, पहले एक बार जस्ट रिवाइज कर लेते हैं। अपन ने क्या पढ़ा? गवर्नर के बारे में पढ़ा। अपन ने ये पढ़ा कि हर स्टेट का गवर्नर होता है। गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है विद कंसल्टेशन विद प्राइम मिनिस्टर फॉर द टेन्योर ऑफ 5 years। उसके बाद अपन ने ये पढ़ा कि गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है ऑफ द स्टेट। क्लियर, और गवर्नमेंट को ये ध्यान रखना पड़ता है जो भी स्टेट गवर्नमेंट फंक्शन कर रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में। फिर अपन ने 9 functions पढ़े ऑफ गवर्नर, एंड उसके बाद अपन ने पढ़ा चीफ मिनिस्टर और उसके 5 functions। तो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक काफी बल्की था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपन ने पढ़े। सो बिफोर वी एंड अवर लेक्चर, मैं आप सबको सवाल पूछूंगी एज पर द ट्रेडिशन, एंड आपको जवाब देना है। एंड विद दिस आपको पता चल जाएगा कि आपने कितने अच्छे से वीडियो देखे, एंड इफ नहीं आंसर है तो व्हाट यू नीड टू डू इज रिव्यू द वीडियो। ओके, लेट्स स्टार्ट। 5 questions, राइट, एंड यू विल बी गिवन टाइम ऑफ 3 seconds। गुड, चलो फर्स्ट, अ वेरी सिंपल वन, लेट अस बिगिन विद अ सिंपल वन। Dash is known as the constitutional head of the state. Dash is known as the constitutional head of the state. And your time ends in 3, 2, 1. And yes, you all are absolutely right. And the answer is governor. Good. Second one. Who appoints governor? Who appoints governor? Isn't it simple? Who appoints governor? And your time ends in 3, 2, 1. Governor is appointed by president with consultation with the prime minister, and you have to write for the tenure of 5 years. Like the next one. Next. Okay. थोड़ा 2 mark concept पे पूछ लेते हैं, ठीक है? Let's see आपको आता है कि नहीं. What will happen if bill which is passed to the governor for signature is not signed by the governor? And the time ends in 3, 2, 1. What happened? Governor will return the bill to Vidhan Sabha with a suggestion. The MLA there would discuss, would debate on the suggestion and will send a revised bill to the governor. Right? Ye apne padha tha. Next is, who is the head of the Council of Minister? Who is the head of Council of Minister of the state? Who is the head of Council of Minister of the state? And the time ends in 3, 2, 1. And yes, it is Chief Minister, also known as CM. Last question. Who allots various portfolios to the different minister for effective administration? Portfolio kaun allot karta hai alag alag minister ko? Kaun kisko kaun sa kaam karna hai? Obviously, student Chief Minister. And last one, which is quite important, I have already discussed it earlier. Ready? And the question is, who introduced the budget in the legislative assembly? अगर आपको ये नहीं आ रहा, means आपने वीडियो ध्यान से नहीं सुनी, because मैंने अंत में बोला और बहुत क्लैरिटी से बोला। One more time I'm repeating the question, student. Who introduced the budget in the legislative assembly? And your time ends in 3, 2, 1. And the answer is finance minister of the state. जो भी state का finance minister होता है वो budget introduce करता है. Clear? Okay, students. So we would be ending our lecture by this. Today we have discussed some of the very important topic, that is governor and chief minister. In our next session we will be discussing about various lists and legislative assembly. In our next session probably we will be completing this chapter. Okay, till then goodbye.